अभोली ब्लॉक इलाके के मतेथु बाजार में बुधवार की शाम युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च निकालकर युवाओं ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। कैंडल मार्च का समापन ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड पर मौजूद मतेथु बाजार में किया गया। इस दौरान युवाओं ने आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कैंडल मार्च और पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभोली ब्लॉक के मतेथु बाजार में आतंकवाद का पुतला दहन किया जा रहा है। पुतला दहन के माध्यम से युवाओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस मौके पर निशान पाठक अमन तिवारी, सर्वेश शुक्ला, शुभम पाठक, अभय तिवारी, प्रवीण पांडे, हर्ष आकाश गुप्ता सहित आदि लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि आज के ही दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से ही 14 फरवरी को पूरे देश में ब्लैक डे की तरह मनाया जा रहा है। और इस दिन को शोक सभा के माध्यम से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है।